त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा। दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशन, सॉफ्ट मखमली एहसास रोजा लाइपास। नमस्कार, कार्यक्रम तारे आगते ने देख रहे हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए। आप सभी जानते ही हैं कि 7 मार्च 2019 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो चुका। अब कन्या लग्न वाले पूछते हैं कि उनके लिए कैसा रहेगा ये समय। अगर हम बात करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए, तो उनके लिए सबसे पहले राहु देव चल रहे थे 11वें भाव में और केतु देव चल रहे थे उनके 5वें भाव में। सो ऐसे में उनको लाभ की बजाय नुकसान ही हो रहा था। प्रेम में तो पीड़ा आ ही रही थी, साथ ही साथ जिनकी संतान उनके बिजनेस में थी उनके द्वारा उनको नुकसान भी मिल रहा था। यानी कि उनकी संतान उनको बिजनेस में लाभ देने के बजाय लॉसेस दे रही थी। ऐसे में उनको पेट की बीमारियां भी होंगी और अफेयर्स अगर उनके होंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होगी। वैसे बीते 18 महीने देखते हैं तो कन्या लग्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा तनाव में और बहुत ज़्यादा समस्याओं से भरे हुए उन्होंने बिताए होंगे। और अगर अब राशि परिवर्तन की बात करते हैं तो राहु उनकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में आ गए हैं। यानी कि कन्या लग्न वाले उनके राहु और उनके राहु 10वें भाव में आ गए और केतु उनके 4थे भाव में आ गए हैं। सो राहु केतु की उच्च की स्थितियां उनके लिए अब हो सकती हैं फायदेमंद। खास तौर पर कन्या लग्न का अगर कोई भी व्यक्ति पॉलिटिशियन है तो राजनीति में आने वाले 18 महीने का समय उनके लिए बहुत ज्यादा तरक्की वाला साबित हो सकता है। यानी कि कन्या लग्न वाला एक इंसान इस समय तो पॉलिटिशियन बन सकता है और बड़ी से बड़ी टिकट जीतने के भी चांसेस बन सकते हैं। लेकिन जो लोग राजनीति में नहीं है वो राजनीतिज्ञों से कोई ना कोई फायदा भी ले सकते हैं, लेकिन पूरी तिकड़मबाजी के साथ, और उनको लाभ होने की स्थितियां बन पाएंगी। अपने दिमागी तिकड़मबाजी से ही वे अपने काम को भी बहुत ऊंचा ले जा पाएंगे। ऐसे में प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का काफी लाभ हो सकता है। वो भी जमीन जायदाद बना पाएंगे और उनको भी आसानी से बेच भी पाएंगे। सो जिनका कन्या लग्न है, कन्या लग्न वाले इस समय में गाड़ियां प्रॉपर्टी ऐसा लेने के लिए उनको बहुत चांसेस बन सकते हैं जो उनको फलित भी हो सकती हैं। ऐसे समय में माता पिता के साथ भी उनके संबंध अच्छे बनेंगे। जिनके माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, अब मानसिक तौर पर उनके विचार आपस में बढ़िया हो सकते हैं और उनकी मदद से उनके काम भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले 18 महीने कन्या लग्न वालों के लिए काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। और फिर उनको अपनी कुंडली तब तक जरूर चेक करवा लेनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी स्टार उनको प्रॉब्लम ना दे सके। तो कन्या लग्न वाले दर्शकों के लिए खास तौर पर कहेंगे जी, आपको कैसा लगा आज का ये एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखमंदर लुधियाना इंडिया और साथ ही साथ जो वॉइस ऑफ एशियंस हमारा न्यूज चैनल, उनको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सेम नाम से हमारे फेसबुक पेजेस हैं, उनको भी आप लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और कन्या से पहले यानी कि मेष से लेकर सिंह लग्न तक अगर आप देखना भूल गए हो तो हमारे चैनल पे देख सकते हो। और कन्या के बाद यानी कि तुला से लेकर मीन लग्न तक राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या असर होगा आपके लग्न के ऊपर, ये भी आप आने वाले समय में यूट्यूब चैनल जो हमारा है उस पर देख सकते हैं। तो बहुत से दर्शक पूछते हैं कि सुखमंदा जी, हम भी आकर आपसे मिलना चाहते हैं, तकदीर का हाल जानना चाहते हैं, आपसे रत्न और रुद्राक्ष लेकर पहनना चाहते हैं, वास्तु को विजिट करवाना चाहते हैं या नक्शा चेक कराना चाहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले आप समय ले सकते हैं, फिर आकर पूछ सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजर सुखमंदर 30G सराबा नगर लुधियाना पंजाब इंडिया। फोन नंबर 9417020533 और व्हाट्सएप नंबर 9872620533। जाने से पहले यही कहेंगे, सबसे बड़ा दर्जा माँ का, जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छू के जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियां मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, तकदीर बहुत बढ़िया हो जाएगी। बेटियों को कोख में मत मारिएगा, हर घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाइएगा, नशों से परहेज करिएगा और कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के नेक कामों में जरूर खर्च कीजिएगा, आपके सारे सितारे बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी आप हमें अपनी कुंडली दिखाने आए तो हमसे एक नवग्रह दिव्य वनस्पति दल हासिल करना मत भूलिएगा और हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि रोज हम एक ना एक उपाय
आपको बताते हैं वहां पे जो आपके लिए होता है कारगर साबित। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार। रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास। रोजा।